हेलो, गुड मॉर्निंग क्लास। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एडमिशन एंड डिस्चार्ज। सबसे पहले हम एडमिशन के बारे में पढ़ने वाले हैं। एडमिशन का मीन होता है एंट्री या प्रवेश। एंट्री, हम किसी पेशेंट को हॉस्पिटल में एंट्री देते हैं, किस लिए देते हैं? उसके प्रॉपर ट्रीटमेंट के लिए, केयर के लिए, ओरिएंटेशन के लिए, इन्वेस्टिगेशन के लिए। देन हम आते हैं कि इसकी जो डेफिनेशन है वो हम ऐसे लेंगे। एडमिशन इज द एंट्री ऑफ पेशेंट हॉस्पिटल फॉर थेरापेटिक एंड डायग्नोस्टिक पर्पज। नेक्स्ट आएगा कि हॉस्पिटल में पेशेंट को एंट्री किस पर्पज से दी जाती है। उसके कारण है कि पेशेंट को पहले रिसीव करो, देन उसको कंफर्ट एंड सेफ्टी प्रोवाइड करो, देन अगर एमरजेंसी पेशेंट है तो उसको इमीडिएट केयर प्रोवाइड करनी है, और नर्स को किसी भी एमरजेंसी सिचुएशन के लिए रेडी रहना चाहिए। उसके जो वाइटल साइंस है वो चेक करें, और पेशेंट की जो नर्सिंग केयर प्लान है वो इमीडिएट प्रोसीड करें, और इन्फॉर्मेशन पेशेंट के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन ले लें, और उसके बाद उसके बेसिस पर उसको केयर प्रोवाइड करें। देन अब हम आते हैं नेक्स्ट, इसका जो पॉइंट है वो है प्रिंसिपल्स। नर्सिंग एडमिशन के प्रिंसिपल आएंगे कि सडन चेंज और स्ट्रेंजनेस ऑन द इन्वायरमेंट प्रोड्यूस फियर एंड एंजाइटी। अचानक से क्या होता है कि पेशेंट हॉस्पिटल के अंदर एंटर होगा तो उसको एजिटेशन होगी, बहुत सारी प्रॉब्लम्स होगी, घबराहट होगा, सब कुछ नया इन्वायरमेंट होता है, डॉक्टर्स, नर्सिंग स्टाफ, सब कुछ घर से थोड़ा अलग इन्वायरमेंट मिलता है उसको, तो उसको उस चीज़ को लेकर थोड़ा अनकम्फर्ट होता है। उसके अंदर लोगों के पीपल हैव डाइवर्सिटी ऑफ हैबिट्स एंड बिहेवियर। इलनेस कैन बी ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस फॉर द पेशेंट एंड बी हिज स्ट्रेस ऑन हिज फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ। जो उसकी जो बीमारी है या जब वो बीमार होता है या कोई एक्सीडेंट फेस होता है, तो वो बीमारी की वजह से पेशेंट के फिजिकल और मेंटल जो है हेल्थ, उस पर बहुत ज़्यादा अफेक्ट पड़ता है। नेक्स्ट आता है अपन इसके जनरल इंस्ट्रक्शन। जनरल इंस्ट्रक्शन क्या है कि सबसे पहला इंस्ट्रक्शन है कि पेशेंट को रिसीव करें, देन उसकी हेल्प करें, उसको हॉस्पिटल इन्वायरमेंट में एडजस्ट करने में। सेकेंड जो पॉइंट आता है कि पॉजिटिव इन्वायरमेंट या पॉजिटिव इनिशियल रिलेशनशिप को मेंटेन करें, जिससे कि पेशेंट के रिलेटिव या पेशेंट को कंफर्ट फील हो। देन उसकी जो डाटा है उसको आइडेंटिफाई करें, और उसके बाद उसको अगर एमरजेंसी पेशेंट है तो उसको इमीडिएट केयर प्रोवाइड करें, सेफ्टी एंड कम्फर्ट प्रोवाइड करें। देन पेशेंट के साथ कोलाबरेट करें, प्लानिंग एंड प्रोवाइड कॉम्प्रिहेंसिव केयर भी प्रोवाइड करें। उसके बाद आएगा कि उसकी जो रिपोर्ट्स है, उसके जो जितने भी सिम्टम्स हैं उन सबकी जो जनरल कंडीशन है पेशेंट को, उसको असेस करें। उसके बाद मेंटेन करें पेशेंट की प्राइवेसी को, ये सारे जनरल इंस्ट्रक्शंस के अंदर आते हैं। उसके बाद आता है टाइप्स ऑफ एडमिशन। टाइप्स ऑफ एडमिशन दो टाइप का हो सकते हैं, एक एमरजेंसी, एक रूटीन। एमरजेंसी जो होता है एडमिशन, उसके अंदर जैसे एक्सीडेंट केस हो गया, या कोई पॉइजनिंग केस हो गया, या सुसाइड केस हो गया, या बर्न हो गया, या हार्ट अटैक का केस हो गया, तो ये सारे एमरजेंसी केस में आते हैं। इसमें पेशेंट को इमीडिएट केयर प्रोवाइड की जाती है। नेक्स्ट आता है रूटीन एडमिशन। रूटीन एडमिशन के अंदर अगर पेशेंट को मान लो डायबिटीज है, ब्रोंकाइटिस है, कॉलिसिस्टेक्टॉमी या हाइपरटेंशन का कोई पेशेंट है, तो रूटीन चेकअप के लिए आता है, और मेडिकल और सर्जिकल ट्रीटमेंट उसका चलता है हॉस्पिटल में, तो वो रूटीन एडमिशन वाला पेशेंट हो गया। देन प्रिपरेशन ऑफ आर्टिकल फॉर एडमिटिंग पेशेंट। पेशेंट को एडमिट करने के बाद आप कौन कौन से आर्टिकल है उसको प्रिपेयर करेंगे। सबसे पहले एक तो बॉटम शीट, ड्रॉ शीट, मैकिंटॉश शीट एंड ब्लैंकेट। देन आएगा टू बेड शीट। उसके बाद वाटर बैग इन कोल्ड वेदर। कोल्ड वेदर के अंदर एक वाटर बैग और रिक्वायर होती है पेशेंट को। इसके अलावा डेली रूटीन केयर और मेंटेन हाइजीन। देन एक आएगा टेम्परेचर ट्री, जिसमें स्पॉन्ज बाथ ट्री, सेट ऑफ हॉस्पिटल क्लोथ्स, स्टेथोस्कोप एंड स्फिग्मोमैनोमीटर। ये सारे पेशेंट की केयर से पहले आर्टिकल्स आपके पास प्रेजेंट होने चाहिए। एनी अदर स्पेशल इक्विपमेंट जैसे कि ऑक्सीजन मास्क या सिलेंडर या सक्शन मशीन, कार्डियक मॉनिटर, एमरजेंसी ट्रॉली एक्सेट्रा, ये सारी चीज़ें अवेलेबल होनी चाहिए पेशेंट के पास। जो जो सामान आर्टिकल्स है वो सारे अवेलेबल होने चाहिए उसकी ट्रीटमेंट से पहले। उसके बाद एडमिशन का प्रोसीजर क्या है कि प्रिपेयर द रूम विद केयर एंड अरेंज ऑल आइटम्स इन प्लेस एंड एडजस्ट हाइट ऑफ बेड।
सबसे पहले रूम को प्रिपेयर करें, उसके बाद जो बेड है उसकी हाइट को एडजस्ट करें पेशेंट को एडमिट करने से पहले, देन क्लाइंट का आइडेंटिफिकेशन करें, उसके बाद रिलेटिव्स वगैरह से बातचीत करें, देन पेशेंट के वाइटल साइन सिम्टम्स ये सारे चेक करें, उसके बाद पेशेंट को प्राइवेसी प्रोवाइड करें और एक्सप्लेन करना है उसको बाथरूम का यूज़ कैसे करना है, इक्विपमेंट्स का यूज़ कैसे करना है, वाटर प्लेस कहाँ है, लॉकर्स वगैरह के पास कॉल बेल, और जिससे कि वो आसानी से पहुँच सके, कॉल बेल रखेंगे उसके पास जिससे कि जब उसको ज़रूरत हो तब वो कॉल बेल बजा के किसी भी नर्सिंग स्टाफ को या अपने रिलेटिव्स को बुला सकता है और एक्सप्लेन करें उसको मील टाइम खाने का समय क्या होता है हॉस्पिटल का, देन उसको क्लाइंट के रिलेटिव्स से मिलने का समय क्या होता है वो सब कुछ उसको एक्सप्लेन करें, देन आंसर क्योरीज द क्लाइंट एंड रिलेटिव्स, जितने भी क्लाइंट की क्वेश्चंस होते हैं या फिर उसके रिलेटिव्स की क्योरीज होती है उन सबको एक्सप्लेन करें और सबको अच्छे से सॉल्व करें, उसके बाद कंप्लीट नेसेसरी रिकॉर्ड अकॉर्डिंग टू हॉस्पिटल पॉलिसी जिसके अंदर उसकी हिस्ट्री होनी चाहिए, उसका असेसमेंट होना चाहिए, ये सारी चीज़ें कंप्लीट होनी चाहिए पेशेंट के बारे में। देन यूनिट एंड इट्स प्रिपरेशन, यूनिट के अंदर यूनिट एक ऐसा प्लेस होता है जहाँ पेशेंट को रखा जाता है हॉस्पिटल के अंदर, जैसे उसके लिए अपन प्रिपरेशन क्या करेंगे कि बेड को रेडी करेंगे, देन पोजिशन बेड देंगे, बेड को पोजिशन देंगे प्रॉपर, और उसके बाद नेसेसरी जो इक्विपमेंट सप्लाईज है जो पेशेंट को ज़रूरत है उन सबको वहाँ अवेलेबल रखेंगे, उसके बाद स्पेशल इक्विपमेंट है सप्लाईज भी रखेंगे, उसके बाद रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ नर्स, नर्स की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है इसके अंदर कि नर्स है जो बहुत सारे एफर्ट करती है या ऐसे एफर्ट्स करती है जैसे कि पेशेंट को थोड़ा फ्रेंडली फील हो और एक अच्छा नेचर एक अच्छा आई पी आर मेंटेन करे जिससे कि वो कम्फर्ट होकर अपनी प्रॉब्लम्स को शेयर कर सके, देन एक प्रॉपर ऑब्जर्वेशन करेगी क्लाइंट का टाइम टू टाइम, उसके बाद उसकी हेल्थ का इवेल्युएशन करेगी, हेल्थ इवेल्युएशन के बाद रिलेटिव एंड रिलेटिव्स जो पेशेंट के हैं और पेशेंट को रिलेटिव से मिलने का टाइम दिया जाएगा और हॉस्पिटल पॉलिसी के अकॉर्डिंग जो हॉस्पिटल का टाइमिंग है उसके अकॉर्डिंग, उसके बाद डेवलप हेल्थ केयर नर्सिंग प्लान इन कोऑर्डिनेशन विद कोऑर्डिनेटर्स और डॉक्टर्स, जो हेल्थ केयर हेल्थ नर्सिंग केयर प्लान है वो बनाएगी नर्स डॉक्टर्स और कोऑर्डिनेटर्स के अकॉर्डिंग, देन ऑब्जर्व पॉलिसी डीलिंग विद मेडिकल लीगल एस्पेक्ट्स, नर्स शुड फाइंड आउट राइट्स एंड एस्पेक्ट्स ऑफ पेशेंट इंक्लूड पेशेंट इन हिज प्लान ऑफ केयर, नर्स है वो जितना भी अगर उसका मील टाइम खाने का जो चार्ट है वो बना रही है या कोई भी कम्फर्ट चार्ट बना रही है या उसका जो भी है रूटीन का चार्ट बना रही है तो उसके अंदर उसके लाइक्स एंड डिसलाइक्स को इन्वॉल्व करके इन्वॉल्व करेगी जिससे कि पेशेंट है वो उसको अच्छे से प्रॉपर केयर दी जा सके, नर्स है वो पेशेंट का नाम और उसके प्रॉपर टाइटल के साथ, नर्स शुड एड्रेस द पेशेंट बाय देयर नेम एंड प्रॉपर टाइटल्स, देन पेशेंट वैल्यूज एंड क्लोथ्स शुड बी हैंडेड ओवर द रिलेटिव्स विद प्रॉपर रिकॉर्डिंग, देन इंश्योर सेफ एंड कंपनशेंट नर्सिंग केयर ऑफ पेशेंट, पेशेंट को सेफ नर्सिंग केयर प्रोवाइड करेंगे, देन इंटरेक्ट विद पेशेंट एंड देयर फैमिलीज इन प्रोवाइडिंग हेल्थ नर्सिंग केयर, पेशेंट और उसकी फैमिली के साथ इंटरेक्ट रहे जिससे कि पेशेंट को अच्छी हेल्थ केयर प्रोवाइड की जा सके और पेशेंट है वो कम्फर्ट फील कर सके, प्रोवाइड पोस्ट सर्जिकल केयर ऑफ पेशेंट एंड देयर होम, पेशेंट को पोस्ट सर्जिकल यानी सर्जरी के बाद की जो केयर है वो प्रोवाइड करें और होम केयर भी प्रोवाइड करें, नर्सिंग केयर ऑफ पेशेंट होम पर होम भी प्रोवाइड कर सकते हैं, डील विद पेशेंट वेरी केयरफुली हु इज सफरिंग फ्रॉम कम्युनिकेबल डिजीज, आइसोलेट इज नेसेसरी, ऐसे पेशेंट के साथ अच्छे से डील करें जो कि कम्युनिकेबल डिजीज के साथ सफ़र कर रहे हैं, उन पेशेंट को केयरफुली ट्रीट करें, उनको अच्छे से एजुकेट करें, ये सब आता है एडमिशन के अंदर। थैंक यू।